स्वामी सदानंद प्रणामी गौ सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, श्री कृष्ण प्रणामी गौवंश अनुसंधान संस्थान, गौ चिकित्सालय, गौ औषधालय व सदगुरु कृपा अपना घर के वार्षिक महोत्सव के समापन पर सोमवार को हासपुर रोड पर संत व गौ सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला बतौर मुख्य अतिथि पहुँचे। इस दौरान रक्तदान शिविर भी लगाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने भी रक्तदान किया। उन्होंने रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, युवाओं को नियमित रूप से रक्तदान करना चाहिए। सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गायों की सेवा से पुण्य मिलता है, सरकार ने गायों के संरक्षण के लिए खूब काम किया है, गौ सेवा आयोग के माध्यम से भी गौशालाओं की मदद हो रही है। उन्होंने कहा कि स्वामी सदानंद महाराज के नेतृत्व में अनेक गौशालाओं का संचालन हो रहा है, ये बेहद सराहनीय कार्य है। सबके सामूहिक प्रयासों से गौवंश की सेवा के काम को और मजबूती प्रदान की जा सकती है। इस मौके पर जसपा प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह, स्वामी सदानंद महाराज, स्वामी राजेंद्रानंद महाराज सहित कई संत व समाज सेवी लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री प्रचार में मैं अब चिंता का विषय। एक लास्ट सवाल, जिस तरह से आपने स्टेज से कहा था कि एक जो गौशाला है वो गोबर से पेंट बनाती है, सरकारी कार्यालयों में उनका उपयोग होगा और रेवेन्यू भी बढ़ेगा। देखिए, हमारे पास प्रपोजल आया है पंचायती राज में, उसको हम टेस्ट करा रहे हैं। अप्रूवल होते ही पिंजौर गौशाला ने पेंट बनाया है, और अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो उसको फिर आगे समय में इंस्टीट्यूशन में भी हम उपयोग करें। ठीक है, थैंक यू।